आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल डिलीशियस कुकिंग एक्सपर्ट में। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बरवक्त आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी और चने। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि पूरी हमारी सॉफ्ट नहीं होती है, फूलती नहीं है, तो मेरे प्रोसीजर को फॉलो करते रहे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी पूरी जो है वो सॉफ्ट बनेगी और फूली भी बनेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी लाहौरी चने बहुत ही जबरदस्त पूरी के साथ हम सर्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। पूरी के लिए हमें चाहिए आटा, दो कप हमें चाहिए मैदा, हमें चाहिए नमक, दो भर के टेबलस्पून चाहिए दही, और हम इसमें गूंदने के लिए शामिल करेंगे दूध को। हमने पानी से नहीं गूंदना, हमने इसको दूध से गूंदना है। तो चले प्रोसीजर शुरू करते हैं। इसके लिए मिक्सिंग के लिए हम ले लेते हैं एक बाउल। बाउल में हमने सबसे पहले क्या करना है, ये इसको फॉलो करें, इसी की वजह से जो है हमारी पूड़ियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें पानी, ये तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा है पानी, थोड़ा सा हमने ऐड कर लिया। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जितना आटे में हमें चाहिए होता है, ये देख लें बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसमें दो चम्मच भर के दही डालेंगे, देखिए ये दो चम्मच दही। इसको अब अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से फेंटेंगे, ये देखें ऐसे इसको हम फेंटेंगे ऐसे। बस इसी प्रोसीजर में जो मैंने पानी ऐड कर लिया, इसके अलावा मैं बाकी सारा आटा जो है वो दूध के साथ गूंदूंगी। ये देखें इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मैदा, ये देखिए इसको अब हल्का हल्का हाथ से गूंदते जाएंगे हम। बहुत ही सॉफ्ट बनती है इस तरीके से अगर आप करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। ये देखें सॉफ्ट सी डो हमने तैयार करनी है, इसको अच्छा सा गूंदेंगे और इसको सेट होने के लिए नहीं रखेंगे हम, इसके हम पेड़े बना के वो 10 मिनट के सेट होने के लिए रखेंगे। आटा हमने थोड़ी देर गूंदते रहना है, ये देखिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं इस तरह छोटे छोटे, और नीचे प्लेट में मैंने थोड़ा सा मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और इसमें पेड़े मैंने रख दिए हैं। एक मैं आपके सामने बना लेती हूँ, मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। अब एक पेड़ा लिया और ये छोटे साइज का हमने पेड़ा बना लिया, ये देखें ये छोटा सा पेड़ा बना लिया, ये हमने इसी तरह इसे रख लिया। अब ये सारे बना के पेड़े हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक पेड़े सेट होते हैं हम लाहौरी चने बनाने के लिए चीजें नोट कर लेते हैं। लाहौरी चने में हमें जो जो चीजें चाहिए वो हैं चने हैं। चने मैंने अच्छे तरीके से धो के मीठे सोडे में डाल के धो के उसको बॉईल कर लिए थे, ये है एक कप, ठीक है। मैंने प्याज एक बड़ी साइज की मैंने इसका पेस्ट बना लिया, उसमें दो हरी मिर्चें डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था। मैंने दो छोटे टमाटर उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। लहसुन अदरक चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें मसाले चाहिए, पिसा हुआ धनिया 1 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टी स्पून, हल्दी 1 टी स्पून, ये हमें काली मिर्च चाहिए 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टी स्पून, और जीरा चाहिए 1 टी स्पून। और ये हमारे हैं आलू मैश किए हुए मैंने रखे हुए हैं, इसमें दो अदद आलू ले लें, उसको बॉईल कर लें और उसको ब्लेंडर में इस तरह से उसका पेस्ट बना लें। तो जो हम कहते हैं कि चनों के अंदर कैसे वो थिकनेस आती है वो इसी की ही वजह से आती है, ठीक है। और ये धनिया है और अदरक है, ये हम लास्ट में गार्निश के लिए डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पैन। पैन में हम 1/2 कप ऑयल डालते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने सबसे पहले डालना है,
थोड़ा सा हम गोल्डन करेंगे, फिर इसमें हम डालते हैं प्याज का और जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक हो रहा है, भुन गया है और इसमें खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम डाल लेते हैं, ये हमने प्याज का पेस्ट रखा था ये हम डाल लेते हैं और ये टमाटर का पेस्ट भी साथ ही हम डाल देते हैं। अब जितने मैंने मसाले मैंने बताए थे ये सारे हम डाल देते हैं इसमें, नमक भी डाल लेते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए मसाला भून रहा है, इस स्टेज पे हम डाल लेते हैं चने। इसको हम 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए हमारे चने भून रहे हैं, ये देखिए जबरदस्त भून गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हम 1 कप पानी ऐड करते हैं। ये 1 कप पानी हमने ऐड कर लिया। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर लेते हैं। चलिए अब इसको 10 मिनट के लिए और हम भून लेंगे। ये देखिए मज़े, अभी से थिकनेस शो होनी शुरू हो गई है। ये देखिए जो चनों के अंदर थिकनेस होती है ज़बरदस्त। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे फिर हमारे चने रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चने भुन गए हैं। ये देखिए तरी भी ऊपर आ गई है ज़बरदस्त। अब हम इसमें धनिया डाल लेते हैं, ये अदरक, ये हमारे तैयार है। हम इनको डिश आउट कर लेंगे और फिर अब चलते हैं, अब हलवे की तरफ चलते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त। चलिए अब हम हलवा बना लेते हैं। हलवे के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप चाहिए हमें घी, इलायची चाहिए 4 से 5 और मैंने इधर 1 कप चीनी के साथ और 1 कप पानी के साथ मैंने इसका शुगर सिरप बना लिया है और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून मैंने फूड कलर भी ऐड किया था, ये हमने ऐड कर लिया है। और हमें चाहिए बादाम गार्निश के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हम डाल लेते हैं घी। बिस्मिल्लाह, घी लेना है, ऑयल नहीं लेना, घी में ज़्यादा अच्छा हलवा बनता है। ये हमने घी ले लिया, इसमें हमने डाली 4 से 5 इलायची। बस जैसे ही खुशबू आएगी इसको हम भूनेंगे, जैसे ही खुशबू आएगी और हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे। ये देखिए खुशबू आनी शुरू हो गई, अब हम इसमें डाल लेते हैं सूजी। बिस्मिल्लाह, अब इसको हम हिलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी जो है वो सूजी भुन चुकी है, खुशबू आ रही है, गोल्डन कलर हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने जो सिरप बनाया था शुगर सिरप वो हम ऐड कर लेंगे और फिर इसको हिलाते जाएंगे जब तक कि हम ऑयल जो है वो छोड़ नहीं देते हलवे को। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको हिलाते जाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया। मैंने आपको बताया था कि 1/2 टीस्पून हमने फूड कलर ऐड किया था, तो ये बिल्कुल बाज़ार के हलवे जैसा इसका आ गया कलर। ऑयल अब निकलना शुरू हो गया है घी हमारा, तो अब ये इसको थोड़ा सा और करेंगे तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सॉफ्ट सा हल्का हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है, फिर इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। चलिए जी अब हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। पहले से मैंने पैन चढ़ा दी है, सही तेल को सही गर्म करना है ताकि जैसे ही हम पूड़ी डालें हमारी वो अकड़े नहीं, बिल्कुल फौरन से ही वो तल जाए। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही तेल गरम होना चाहिए, बिल्कुल गरम हो गया। अब इसमें डाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते साथ ही इसको हमने ऐसे करना है। ये देखिए ऐसी हमारी, ये देखिए मज़ेदार सी पूरी फूल रही है। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर हो गया और हमारी पूरी भी फूल रही है। ये देखिए ऐसे हम ऊपर ऑयल डालेंगे। ये देखिए
ये जबरदस्ती हमारी फूल के फूल, ये देखिए। ये देखिए हमारी सब चीजें तैयार हो चुकी हैं। ये है लाहौरी चने, जबरदस्त थिक लाहौरी चने। ये है हलवा और जबरदस्त ये हमारी सॉफ्ट पूड़ियां बिल्कुल तैयार हैं। तो ये थी हमारी मीठी ईद की मीठी रेसिपी। जरूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।